जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ वृष राशि का सरकारी नौकरी योग अगस्त के महीने में। वृष राशि वाले जो चाहते हैं कि उनको सरकारी नौकरी ही करनी है, बहुत प्रयास कर रहे हैं उसके बाद भी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, यूपीएससी के एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, एक या दो नंबर से रह जाते हैं, क्या अगस्त में आपका सरकारी नौकरी योग बनता है या अगस्त में कोई ऐसा एग्ज़ाम क्लियर होने का योग बनता है जो सरकार से संबंधित हो? तो यदि आपकी वृष राशि है, वृष लग्न है या आपके नाम से वृष राशि बनती है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी ही करनी है, आपको प्राइवेट जॉब नहीं करना है, आपको कोई व्यापार नहीं करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे क्या गोचर के अनुसार आपका सरकारी नौकरी योग बनता है, और यदि गोचर के अनुसार आपका अगस्त में सरकारी नौकरी योग बनता है तो उसके बाद हम देखेंगे क्या जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी योग है, और जब ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं तो वो समय है आपके सरकारी नौकरी योग का। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को, सबसे पहले जानते हैं गोचर स्थिति अगस्त की आपके लिए क्या कहती है। जब भी हम सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं तो जन्म पत्रिका में और गोचर में लग्न का चतुर्थ भाव का, नवम भाव का, दशम भाव के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब ये ग्रह के स्वामी, इन ग्रहों के स्वामी, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और टेंथ हाउस के स्वामी लग्न में बैठे हों, फोर्थ हाउस में बैठे हों, नवम भाव में बैठे हों या दशम भाव में बैठे हों, तो ये स्ट्रॉन्ग योग होता है सरकारी नौकरी योग का। इसके साथ ही यदि सूर्य अकेले लग्न में बैठे हैं, सूर्य अकेले चतुर्थ भाव में बैठ के दशम भाव को देख रहे हैं या नवम भाव में बैठे हैं, दशम भाव में बैठे हैं, तो भी सरकारी नौकरी योग बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। तो अब जानते हैं गोचर क्या कहता है। यहाँ आपके लग्नेश शुक्र हैं जो चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव को देख रहे हैं। आपके भाग्य के स्वामी और आपके कैरियर के स्वामी शनि देव हैं जो कैरियर हाउस में ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो बहुत उत्तम योग बना रहे हैं सरकारी नौकरी को लेकर। सूर्य आपके ट्वेल्थ भाव में गोचर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्य से संबंधित थोड़े से उपाय करने होंगे, क्योंकि सूर्य आपके बारहवें भाव में बैठे हैं, गोचर के अनुसार थोड़ा सा योग कम बना रहे हैं, बारहवां भाव जन्म पत्रिका अच्छा नहीं होता है, तो थोड़े से आप गोचर के अनुसार उपाय करेंगे। क्या उपाय करेंगे वीडियो के अंत में बताऊंगी, उपाय जरूर करिएगा। अब गोचर के अनुसार अगस्त का महीना सरकारी नौकरी योग बता रहा है कि योग तो आपका बन रहा है। इसके साथ ही अब हम जन्म पत्रिका देखेंगे। अपनी अपनी जन्म पत्रिका खोलिए और जो लग्न चार्ट है वो देखिए। आपके लग्न चार्ट में लग्न के स्वामी यानी कि फर्स्ट हाउस के स्वामी, फोर्थ हाउस के स्वामी, नाइन्थ हाउस के स्वामी, टेंथ हाउस के स्वामी कौन से घर में बैठे हैं। अगर इन घरों के स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, फोर्थ हाउस में बैठे हैं, नाइन्थ हाउस में बैठे हैं या टेंथ हाउस में बैठे हैं, तो ये बहुत ही उत्तम योग है सरकारी नौकरी का। इसके साथ ही सूर्य आपके लग्न में बैठे हैं या फोर्थ हाउस में बैठे हैं, नाइन्थ हाउस में बैठे हैं या टेंथ हाउस में बैठे हैं, तो ये भी बहुत ही उत्तम योग है कि आप अपने जीवन में सरकारी नौकरी ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि गोचर के अनुसार योग बन रहा है, जन्म पत्री में योग बन रहा है, क्या ये योग अगस्त के महीने में है? तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी महादशा देखनी है कि आपकी जन्म पत्री में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूर्य के साथ लग्नेश की, नवम भाव की और दशम भाव की अगस्त के महीने में कब आ रही है, वो समय है आपके सरकारी नौकरी योग का। जल्दी से देखिए अपनी महादशा कि क्या आपको सूर्य की महादशा मिल रही है या आपको सूर्य का अंतर या प्रत्यंतर मिल रहा है अगस्त के महीने में, वो समय है आपके सरकारी नौकरी योग का। अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनकी जन्म पत्रिका में योग तो है पर वो वीक बन रहा होगा, पर ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, ऐसे में आपको उपाय करने होंगे। उपाय कर आप अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप अपने कैरियर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सरकारी नौकरी योग को मजबूत करेंगे। क्या उपाय करने हैं, सबसे पहले सूर्य को मजबूत करने के लिए रोज़ सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में आपने सूर्य को जल देना है,
ओम सूर्याय नमः बोलते हुए, उसके बाद आपने आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ संडे से शुरू करके रोज करना है। संडे को सुबह उठते ही आपने गेहूं भिगोने हैं, उसके बाद उन गेहूं में थोड़ा सा गुड़ डालकर गाय को रोज नियम से खिलाना है, और ये भी आपने 10 बजे से पहले पहले खिलाना है। अपनी थाली की पहली रोटी आपने गाय के लिए निकालनी है। एक तांबे का कड़ा लेंगे या तांबे की अंगूठी लेंगे, इसको आपने संडे के दिन धारण करना है। ध्यान रखिएगा, तांबे का ही लेना है, अष्ट धातु का नहीं लेना है। इसको आपने संडे के दिन पूजा करके धारण कर लेना है। ये उपाय करने से आपके सरकारी नौकरी के योग मजबूत होंगे और आपको अगस्त के महीने में सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी, क्या वृष राशि वालों का अगस्त में सरकारी नौकरी योग बनता है, और यदि बन रहा है तो किस समय बन रहा है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।